ऑथेंटिक आहार में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए दही बड़ा आलू दम की रेसिपी लेकर आ गई हूँ। ये एक बहुत फेमस स्ट्रीट फूड है, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप कोई भी टिप मिस ना करें। मैंने यहाँ कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा था। इसमें मैं 3 टेबल स्पून डाल रही हूँ सरसों का तेल और इसमें मैं डालूँगी 1/8 टीस्पून चीनी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें। चीनी के कैरमलाइज होते ही यहाँ पर हम 2 तेज़पत्ता डाल देंगे और साथ ही हम दालचीनी और इलायची भी यहाँ पर डाल देंगे। अब मैं यहाँ पर डाल दूंगी 1 प्याज जिसे मैंने चॉप करके रखा था और इसे चलाएंगे जब तक कि प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता। आपको इसे लगातार चलाते रहना है। गैस का फ्लेम मैंने अभी मीडियम पर रखा हुआ है। अब देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और साथ ही मैं डाल दूंगी 2 टेबल स्पून प्याज का पेस्ट। अब हमें इन सबको अच्छी तरह से भूनना है जब तक पेस्ट का भी कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता, ये थोड़ी गाढ़ी कलर की नहीं हो जाती। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम पर ही रखा हुआ है और अब आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला भी अच्छी तरह से भून चुका है। आप अगर इस तरह से भून लेंगे तो आपका कलर अच्छा आएगा। यहाँ पर मैं एक टमाटर को ग्राइंड करके डाल रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर चॉप करके भी डाल सकते हैं। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून डाल देंगे हम जीरा का पाउडर, 1 टीस्पून हम डाल देंगे धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून हम ले लेंगे काली मिर्च का पाउडर। आप इसे स्किप ना करें, इसी से अच्छा स्वाद आएगा। अब आप इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे और चलाते रहेंगे। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार। इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब मैं इसे ढककर 1 से 2 मिनट पकने के लिए छोड़ दूंगी। देखिए 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि तेल थोड़ा ऊपर आ रहा है, मतलब हमारा मसाला थोड़ा पक चुका है। इसी स्टेज पे आपको उबले हुए आलूओं को क्यूब्स में काट के डाल देना है। मैंने यहाँ पर 3 उबले हुए आलू ले लिए थे। आलूओं को ज़्यादा ना पकाएं क्योंकि इनको हमें मसाले के साथ भुनना भी है ताकि मसाला का स्वाद इसके अंदर अच्छी तरह से जा सके। देखिए अच्छी तरह से इनको चला लेंगे और फिर से ढक के इसे 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर। 2 मिनट बाद मैं आपको ढक्कन निकाल के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि साइड साइड से थोड़ा सा तेल भी निकल के आ रहा है और इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। आपको जितना पानी चाहिए आप यहाँ पर डाल दें। मैंने लगभग 1/2 कप जितना पानी यहाँ पर डाला है क्योंकि मुझे गाढ़ी ग्रेवी चाहिए। इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पर 1 टीस्पून जितना मेथी ले लें और हाथों के बीच मल कर सब्जी में डाल दें। आपको इन सबको अच्छी तरह से मिला लेना है, देखिए कुछ इस तरह से, और बाद में इसे ढक्कन डाल के 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। 5 मिनट बाद मैं ढक्कन हटा के दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर मैं गरम मसाला डाल दूँगी 1/2 टीस्पून और इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमें इसे अब बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब मैं इसे ढककर 1 से 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। ढक्कन हटा के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, अब ये तैयार है। तो मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ। दही बड़ा बनाने के लिए मैंने 1 कप उड़द दाल को रात भर भिगो के रखा और सुबह उसे बहुत कम पानी में ग्राइंड कर लिया। यहाँ पर मैं 1 कप दही ले रही हूँ जिसे मैं फेंट लूँगी अच्छी तरह से और इसमें मैं अब डाल रही हूँ 1.5 कप पानी। हमें इन सबको अच्छी तरह से मिला लेना है। देखिए मैं इसे मिला लूँगी क्योंकि वड़ा जब आप इसमें डालेंगे तो पानी बहुत सारा वड़ा सोख कर लेगी। यहाँ पर नमक डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून और साथ ही यहाँ पे मैं रोस्टेड क्यूमिन और चिली का पाउडर डाल रही हूँ। इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे साइड पर रख लेंगे। अब चलिए बड़ा की तैयारी करते हैं। मैंने यहाँ पे उड़द दाल के पेस्ट को ले लिया है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून सूजी, आप ये ज़रूर डालें।
और डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। साथ ही मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार। अब हमको इनको अच्छी तरह से मिला लेना है। ये जितनी गाढ़ी होगी उतनी ही अच्छी तरह से आपके वड़े बनेंगे और सूजी डालने से आपके वड़े बहुत सॉफ्ट बन जाएंगे जब आप पानी में डालेंगे। यहाँ पे मैंने तेल को मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं कि उधर भी हमारा बैटर तैयार हो गया है। यहाँ एक छोटे बाउल में आपको थोड़ा सा पानी लेना है और एक बड़े बाउल में थोड़ा ज़्यादा पानी लेना है, क्योंकि इसमें हम बड़ा को डुबोएंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक बटर पेपर, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं वड़ा को शेप देने के लिए। अगर आपके पास प्लास्टिक का कोई भी फॉइल हो तो आप उसको भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा बैटर डाल के देख लूँगी कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। ये ऊपर आ रहा है, मतलब तेल गर्म हो चुका है। अब बटर पेपर पर मैंने थोड़ा ऑयल ग्रीस कर लिया है और वहाँ से हम वड़ा का थोड़ा बैटर लेंगे, इसको हाथों से फैला लेंगे और बीच में एक छेद कर लेंगे, देखिए कुछ इस तरह से, और इसे अच्छी तरह से हर तरफ से शेप दे देंगे। फिर इसे दूसरे हाथ पर लेकर तेल में धीरे से छोड़ देंगे। याद रखें तेल अभी बहुत गर्म होता है। इसी तरह से मैं आपको दूसरा वाला बना के दिखाती हूँ। देखिए बीच में छेद कर लें और इसे अच्छी तरह से शेप दे दें और फिर हाथों में ट्रांसफ़र कर लें। याद रखें ये सब के बीच में आपको बीच बीच में हाथों में पानी लगाना है, ताकि आप जब वड़ा को लें हाथों में वो चिपके ना। हर बार आप जब बैटर लें उससे पहले हाथों पे पानी ले लें। मैं इस तरह से, मुझे अच्छा लगता है बनाना और ये बहुत फास्ट भी बनता है। उंगलियों के बीच लेके बैटर और अंगूठे से उसके बीच एक छेद करके तेल में छोड़ देने से, ये बहुत ईजी प्रोसेस है। आप एक दो बार करेंगे तो आपको आ जाएगी। अब हमको वड़ा को पलट देना है। इसे आपको ज़्यादा नहीं तलना है, आपको इसे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। जस्ट हल्का सा कलर आ जाए तो उसके बाद आपको इसे तेल से निकाल लेना है। बीच बीच में इसे पलट दें ताकि ये अच्छी तरह से हर तरफ से सिक जाए। इसी स्टेज पे आपको तेल से वड़ा को निकाल लेना है प्लेट पर। देखिए मैं इसे प्लेट पर निकाल रही हूँ। प्लेट से हमें इसे बड़े वाले बाउल में, जिसमें हमने पानी रखा था उसमें डालना है और उसके बाद पानी से निकाल कर आपको दही में डालना है। आप ऐसा करेंगे तो वड़ा में तेल का स्वाद नहीं जाएगा। इसी तरह से हम सारे वड़े तल के तैयार कर लेंगे। याद रखें वड़ा को ज़्यादा ना तलें, जैसे कि इसका कलर ज़्यादा डीप ना हो। ऐसे स्टेज पे निकालेंगे तो दही वड़ा ठीक बनेगी। आपको बीच बीच में इसे पलट लेना है और लाइट गोल्डन कलर आने पर इसे पानी में डाल दें। फिर पानी से निकाल कर आपको दही वाले पानी में इसे डाल देना है। देखिए ज़्यादा देर तक पानी में ना रखें, नहीं तो ये पानी सूख कर जाएगी। यहाँ पर एक दूसरे बाउल में मैंने 1 टेबलस्पून चीनी ले लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और चीनी को अच्छी तरह से आपको मिला लेना है पानी के साथ। इसमें हम कुछ वड़े डाल के मीठे वड़े बनाएंगे, क्योंकि कटक साइड में दही वड़ा में खट्टे वड़ों के साथ एक मीठा वड़ा भी दिया जाता है। तो हम इसे पलट लेंगे, देखिए, और इसे छोड़ देंगे ताकि ये सूख कर सके। अब हम छोंक लगाएंगे। मैंने तेल ले लिया है पैन में 1 टेबलस्पून, उसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा राई, सूखी मिर्च और करी पत्ता, और इसे 1 से 2 मिनट चलाने के बाद जब छिटकने लगे तो इसे आप छोंक डाल दें दही वड़े पर। देखिए हमारे दही वड़े बन के तैयार हो चुके हैं। अब चलिए इनको एक साथ सर्व करके दिखाती हूँ। एक प्लेट ले लें, उसमें पहले खट्टे वड़े ले लें और यहाँ पर हमने जो मीठा वड़ा बनाया था उसमें से एक डाल दें। ऊपर से आलू दम डाल दें, आपको जितना पसंद हो उतना आलू दम ऊपर से डाल दें। ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा डालें। यहाँ पर आपको दही फेंट के ले लेना है और ऊपर से डाल देना है। ये गाढ़ी वाली दही है और यहाँ पर जीरा और मिर्ची का जो हमने रोस्टेड पाउडर बना के रखा था उसको भी डाल दें।
अगर आपको पसंद हो तो यहाँ पर आप प्याज और हरी मिर्च डाल सकते हैं कटी हुई। हरी चटनी यहाँ पर डाल देंगे, ऊपर से थोड़ा धनिया पत्ता छिड़क देंगे और सेव को हम हाथों के बीच चूर कर इसके ऊपर डाल देंगे। आप इसे ज़रूर घर पे बनाएं, बहुत स्वाद बनती है, और मुझे बताएं कि कैसी बनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।